बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नगरी निवासी भगवान की जय। बोल श्री परम दयाल महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव तेरी याद आ रही है रुक रुक कभी याद आते तो मैं की करा तड़ी याद दिल विच ना जावे तो मैं की करा सोचते हाँ सपने विच जाएगा पर नींद ही ना आवे तो फिर मैं की करा। ये यादें भी हमें अपने इष्ट के ध्यान में जोड़ती हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान की वो लीलाएं उनके वो उपदेश जब जब स्मरण होते हैं तो उस समय उनका तसव्वुर आंखों के सामने घूमने लगता है। आज वो दिन है, वो पल है, वो क्षण है, आज वो रात्रि है जिस रात्रि को श्री नंगली निवासी भगवान ये कहकर अपने कमरे में प्रवेश किया था कि कल सुबह 8 बजे जाएंगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वो किस प्रकार जाएंगे। सबने ये सोचा कि श्री सतगुरुदेव भगवान यहाँ से प्रस्थान करेंगे, परंतु सुबह जो कुछ और ही हुआ, वो सदा सदा के लिए उन्होंने यहाँ पर रहना निश्चित कर लिया। उनके वो वाक मुख वाक सबके सामने गूंजने लगे उनके कानों में। श्री सतगुरुदेव भगवान ने कहा था कि मैं नंगली में सदा सदा के लिए रहूंगा। वो अपने पंच भौतिक नश्वर शरीर का त्याग कर गए, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि श्री सतगुरुदेव भगवान तो दुनिया का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने बहुत थोड़े समय में ही ऐसी क्रांति ला दी। हजारों की तादाद में उन्होंने साधु बना दिए और अपने उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि दौड़ जाओ एक नौका के रूप में, कश्ती के रूप में, और हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो। ये बात गर्व से या तो भगवान श्री कृष्ण ने कही अथवा श्री नंगली निवासी भगवान ने। और श्री सतगुरुदेव भगवान तो इस धरा पर दुनिया का कल्याण करने के लिए ही आए थे और उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश आज संत महापुरुषों के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में जो है वो गूंज रहा है और उनके प्रेमी देश विदेश से यहाँ आकर के सजदे करते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान की सरदर पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत आज प्राप्त होती है। वो चाहे शरीर से चले गए परंतु फिर भी आज मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर विराजमान है। वो केवल मूर्ति ही नहीं, यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने स्वयं देखा उनके मुख पर पसीना आते हुए, अनेक अनेक लीलाएं होते हुए कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर के वो कृतार्थ करते हैं, अनेकों लोगों का रहस्य सुलभ करते हैं। बशर्ते हमारा प्रेम सच्चा हो, हमारी लगन सच्ची हो, हमारी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास सच्चा हो। इनके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटा। जिसने भी श्रद्धा से आकर के सतगुरु के चरणों में सर झुकाया है उसे दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त हुई है। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर चोलियां भरी देखी। ये ऐसा परम पावन पवित्र दरबार मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का, शरीर से चाहे वो चले गए लेकिन वो आज भी यहाँ विराजमान रह करके वो दुनिया के दुनिया को दौलत बांट रहे हैं, रहमत बांट रहे हैं। और रूहानियत का वो खजाना सतगुरु के चरणों से प्राप्त होता है जो दुनिया के किसी कोने में प्राप्त हो नहीं सकता, ना वो धन से, ना बल से, ना रूप से,
वो केवल और केवल सतगुरु के चरणों में प्रेम करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप दूर दराज से आए हो तो यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सतगुरु की रहमत प्राप्त करें। संत महापुरुष उनकी कृपा बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आप भी जल्दी से जल्दी यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, कुछ धन्यवाद आ रहे हैं वो पीछे कुछ माताएं बातें कर रही हैं, उनसे आग्रह करके उनको इधर पंडाल में आगे ला करके बैठाए और उधर कुछ लोग, कुछ भक्त लोग भी बैठे हुए हैं पीछे खड़े हुए कुछ बातें कर रहे हैं। ये भक्त अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनके कान खुले हो तो ये इधर पुरुषों की तरफ आ जाए, मर्यादा का पालन करें। ये भक्ति का रूप ठीक नहीं है, ये भक्त पीछे खड़े बातें कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी से इधर आकर के पुरुषों की तरफ बैठे, माताएं पहले जो पीछे बैठी है वो इधर आगे आ जाए, ये जो आगे सेवादार खड़े जाओ और उन लोगों को इधर बैठाओ ठीक ढंग से, नहीं तो फिर मेरे को पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा। इसलिए आप मर्यादा का पालन करें, ठीक ढंग से आकर के बैठे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज। ये जो खड़े हैं वो बैरे हैं क्या, या साउंड वालों को पूछो कि आवाज वहां तक जा रही है या नहीं, ये कैसी भक्ति इन लोगों की, क्या करने आते हैं, बटन मनमुख लोग हैं जो किसी बात को सुन नहीं रहे। तो आइए, मैं अब निवेदन करने जा रहा हूँ एक ऐसे संत जो देखने में बहुत छोटे हैं और गुरु घर में जब कीर्तन होता है ढोलकी बजाते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं और भजनों की आवाज भी उनकी बड़ी बुलंद है, परंतु आज तो निर्वाण दिवस है, ब्रह्मा जी की यादें दिल में उमड़ रही हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, तो एक अपना भाव प्रस्तुत करेंगे संत ब्रह्म प्रकाशानंद जी। पानीपत से 5-7 मिनट में अपने भाव भजन के रूप में प्रस्तुत करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री परम दयाल महाराज जय। बोलो मेरे नमी निवासी भगवान की सामने।
अगर आप 5-6 मिनट में अपना वक्तव्य करेंगे तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी।
लेकिन 10 मिनट के अंतर्गत ही आप अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। महात्मा संतोष प्रेमानंद जी को आप सुनेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नगरी निवासी भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। मंच पर विराजमान सभी संत बिंदु के चरणों में कोट कोट वंदना। दूर दराज से आई संगत को जय श्री सतन। आज का ये भजन संध्या श्री महाराज जी को के 88वें निर्वाण के ऊपर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारे भाग्य हैं। गुरु महाराज की सेवा हमको मिल रही है कि हम उनका गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री महाराज जी, जैसा कि आप सबको पता है, बसंत 1 फरवरी 1884 को टेरी में पैदा हुए और जब 18 साल के थे तो दादा गुरुदेव दीवान भगवान दास जी के साथ जयपुर सावर से टेरी पहुंचे और धीरे धीरे श्री महाराज जी उनकी शरण में जाने लगे। 1904 में उनको श्री महाराज जी ने नामदान दिया और 1907 में इतना उन्होंने अपने को निखार लिया कि उनको जो है श्री महाराज जी ने चोला प्रदान करके बेली राम जी से स्वरूपानंद जी महाराज का जो है पवित्र और शुद्ध नाम दिया। श्री महाराज जी जो है उन्होंने जब श्री दादा गुरुदेव उनको भेजते थे तपस्या के लिए तो वो जब जाते थे बाहर गुफाओं में उधर करके जब वापस आ रहे थे एक दिन तो श्री महाराज जी ने देखा कि स्वरूपानंद जी आ रहे हैं। तो वो उस अवस्था को पहुंच चुके थे, उस परमहंस अवस्था को पहुंच चुके थे जो स्वयं दादाजी को 33वें साल में मिले। दादा हमारे जो दादा गुरुदेव हुए उन्होंने कहे वो जो है उपलब्धि 33वें साल में अर्जित की उन्होंने, जबकि उनके मार्गदर्शन में श्री नगरी भगवान 23वें साल में परमहंस पदवी को प्राप्त कर गए। तो ये गुरु महाराज की विशेष और विशिष्ट कृपा और उसी प्रसाद को उन्होंने हमारे सब में बांटा। श्री महाराज जी जो है वो बाद में लास्ट में उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को पंजाब छोड़ने का हुक्मनामा सुना दिया। कहते हैं कि 2 दिन 2 रात चले, 2 ही मील चल पाए और लास्ट में 15 तारीख को उन्होंने बोला कि अब मेरे पास समय नहीं है और वो सिर्फ दिल्ली में आकर के विराजमान हो गए। दिल्ली के भक्तों ने उनके लिए दरियागंज में कोठी ले रखी थी। उन दिल्ली के महान भक्त, दिल्ली को मैं महाराज जी ने 152 दिन टोटल 152 दिन दिल्ली में, उनमें से 50 दिन जो है नगली जी को अर्पित किए, क्योंकि महाराज जी सब उनके अंदर महान पुरुषों के अंदर क्षमता होती है। जितने साल उन्होंने बाहर बिताए थे उतने ही साल 50 साल उन्होंने बाकी भारत में बिताए, तो 50 दिन और 51वां गाँव में वो जब थे 51वें वर्ष में वो यहाँ आ गए थे नगली में और 52वां वर्ष उन्होंने यहीं अपना जीवन लीला समाप्त करी इसी नगली धाम पर। तो दिल्ली के जो भक्त थे, महान भक्त थे, उनमें रामलाल बंसदा जी, डॉक्टर दौलत राम बंसदा जी, गुरुचरण वर्मा जी महाराज, उसके बाद में किस्तूरीलाल भाटिया, लायतीलाल भाटिया, राम भरोसे गोरेलाल, सबसे श्रेष्ठ जो थे वो श्री रामलाल जी थे। और रामलाल जी को किसी भी समय महाराज जी से मिलने का समय था, कभी भी वो मिल सकते थे। तो श्री रामलाल जी ने श्री महाराज जी की शान जो भजन लिखा वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, मैं मिटा से बड़ा हूं उनके दर के सामने, स्वामी स्वामी मैं सामने, स्वामी स्वामी
करूंगा चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने बहुत सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किए। मैं पूरा निवेदन करता हूँ कि सभी महापुरुष अपने सीमित समय लेकिन समय का जरूर ध्यान रखें। आपने बहुत सुंदर आप चले गए और प्रचार केवल 17 वर्ष किया और 17 वर्षों में ही ऐसी क्रांति ला दी और वापस दिन में रह करके उन्होंने इस क्षेत्र को जो काम किया और उनका प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मैं समझता हूँ इस पूरे जिले में यहाँ पर हर प्रकार से लोग संपन्न है, ऐसी कृपा सतगुरु की बरस रही है। तो बावन दिनों में ऐसी कृपा की या ऐसी लीलाएं की पूरी चली जा रही है।
तेल समाप्त तीन समाप्त हो गया तो नदी से जल बनवा लिया, पूरी चलवा दी। ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं श्री सतगुरुदेव भगवान ने की और संबोधी स्टेशन पर भी ऐसी लीलाएं की, कितना प्रसाद बांटा, आपकी रहमत बांटी। तो ये धन्य है ये भूमि जहाँ का नाम करके वो विराजमान हुए। आइए मैं इसे गर्म पानी बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ धन्यवाद से महात्मा ट्रेवलर जी है, वह भी पांच सात मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे महात्मा अध्यात्म ट्रेवलर जी। बोलो जय नारा श्री महाराज जी, कहकर उनके वाइफ की कम हो गई है, आप अपनी उपस्थिति का एहसास करवा दे रहे हैं। बोलो श्री नवी निवासी भगवान की। मूकम करो तिवाचल नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दरबार प्रणाम करते हुए उनके दरबार में विराजमान दरबार के सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जय सच्चिदानंद जी। आप शायद सुन भी नहीं रहे हैं, नहीं तो जय सच्चिदानंद का जवाब तो जय सच्चिदानंद देते ही है। देखिए अभी हमने सुना संत महापुरुषों से भी गुरु महाराज जी ने यहाँ कितनी कृपा की। पहली बात तो अवतार लिया हमारे लिए, इतनी कृपा की हमको क्या दे सकते हैं, हम तो लेने के लिए ही है, लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा तब जब हम पात्र बन जाएंगे उसके, और वो पात्रता कब होगी हमें, वो सीधी सी बात है कि उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है, जीकर भी दिखाया, खुद भी वो तो भगवान थे, उनको तो तप करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लिए कर दिखाया उन्होंने कि हम करेंगे तो शायद हमारे बच्चे भी स्मरण में बैठा करेंगे, सेवा करेंगे, तो सेवा और स्मरण करेंगे तो हमें वो पात्रता प्राप्त होगी और उनकी कृपा हम ले सकेंगे। तो इतनी छोटी सी बात है वैसे तो, कि अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सेवा और स्मरण में लगे, गुरुद्वार की सेवा करते रहें और उनके नाम का स्मरण करते रहें तो हमें वो कृपा प्राप्त होगी और सब कुछ हमें मिल जाएगा। बस स्त्री से ही बात करनी है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बरसात हो रही हो और बर्तन उल्टा रखा हो तो क्या भरेगा? सतगुरु की कृपा सदा बरस रही है, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। तो सतगुरु की कृपा सदैव बरस रही है और प्राप्त किसको होगी? जिसमें पात्रता होगी। हमारा बर्तन सीधा हो तो भर जाएगा, इसलिए प्रयास करें कि हम गुरुवर जी की कृपा के पात्र बने, उनके दर के प्रति हमारे दिल में हित हो, हित जिससे गुरुवर की सेवा करें और जो गुरुजनों ने उपदेश दिया है उस नाम का जाप करें तो अवश्य ही हमें कृपा प्राप्त होगी। बहुत सुंदर भाव आपने श्रवण किए, आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ सरहंद से हमारे संत बहन जी
संत धर्म रत्नानंद जी, जो कि बहुत ही मधुर वाणी में बहुत सुंदर भाव भजनों के रूप में, सत्संग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, श्री संत गुरुदेव भगवान के नाम का डंका बजाते हैं, तो उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं कि वह भी अपना एक भाव सत्संग के रूप में अथवा भजन के रूप में 10 मिनट के अंतर्गत ही कहेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। समय के मद्देनजर रखते हुए आप अपना भाव प्रस्तुत करें गुरु चरणों में। बोलो जयकारा गुरु मेरे श्री गुरु महाराज की। एक ये सेवा ही है, कोई भी भंडारा होता है इसमें बहुत सारा खर्च होता है, आप देखते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था है। सभी संत महापुरुष अपनी अपनी श्रद्धा भेंट गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। मेरठ से संत बड़े पूजनीय आदरणीय संत निर्मल आत्मानंद जी रहे, और उन्होंने बहुत सफा की अपने जीवन में, वो तपोभूमि के लिए हो या श्री नगरी दरबार के लिए हो, धर्म की सेवाएं अक्सर वो करते रहे। बहुत सारे लाखों रुपए उन्होंने गुरु घर की सेवा की, और उन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसी सुंदर प्रेरणा की। मंडी गोविंदगढ़ में भी उन्होंने आश्रम बनाया, तो मंडी गोविंदगढ़ आश्रम से सेवा को सेवा अपनी दी है, तो संत है कि वो दरबार की इस व्यवस्था के लिए अपनी जो भी सेवाएं आपके पास आती हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवाएं आप देकर के गुरु ग्रंथ की व्यवस्था को और भी सुचारू रूप देने के लिए सहयोग करें। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ संत बहन धर्म राधानंद जी से कि वो अपना भाव प्रस्तुत करें, ये सेवा भक्तजन मेरे से ले जाए। ये तेरिया
Yeah.
महापुरुष अपने अपने निश्चित समय में प्रस्तुत किए। धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ धन्यवाद के दीवान के दर्शन से सुनते बहन विद्यानंद जी भी 5-7 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। बड़े प्रेम से श्रवण करें। बोलो जय तारा, बोलो मेरे श्री महाराज की। मेरा निवेदन है ये सब जो कैमरे लेकर के सामने खड़े हैं ये अपने अपने मोबाइल बंद करें और बैठकर ध्यान से सुने। ये खाली मोबाइलों में बंद ना करें, ये आपको YouTube पर सुनने को मिल जाएगा। ये कैमरा लगा हुआ है, आप जब चाहेंगे सुन लेना। और सामने कोई भी खड़ा हुआ नजर ना आए, सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जल्दी से प्रणाम करके बढ़ते रहिए और अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ऐसा निवेदन है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु चरणा हरिदास मेरी ते मेरी तार प्रेम दी जोड़े से जाए प्रभु याद अंदर देवत हरदम इस तरह पास होवे। ख्वाहिशां छड जहान दिया सारिया नू सतगुरु दर्शन लगी बे आस होवे। तू ही तू निकले अरदास मेरी अमृत पीवा ते मन मेरा साफ होवे। आवागमन दे चक्कर भी काट जांदे सुरती गुरु चरणा विच खास होवे। खटी ओही जहान तो खट जांदे जेड़े प्रेमी गुरु चरणा दे दास होवे। खटी ओही जहान तो खट जांदे जेड़े प्रेमी गुरु चरणा दे दास होवे। जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो इष्ट हृदय सम्राट प्रांदन श्री दादा गुरुदेव जी एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच असीम दरबार है नंगली का संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु चरणों में अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा एवं प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनके महानिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी क्या है कि हम हर पल हमारी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री गुरु महाराज जी की याद हमारे मन में बनी रहे। मन हमारा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा रहे क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी असीम कृपा करके ये मानव जीवन देकर हमें अपने चरणों से जोड़ा। उनके चरणों में रहकर हम गुरु दरबार की सेवा करते रहे और उनका सिमरन करते रहे तभी हमारा यहाँ आना सफल होता है। आज देखा जाता है कि बड़े सैकड़ों श्रद्धालु लोग आए हैं हजारों, लेकिन सत्संग में कुछ विरले जीव आते हैं जिनका सच्चा प्यार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होता है वही पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ खा पीकर मौज मस्ती करके चले जाते हैं।
तो श्री गुरु महाराज जी की एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमें ये गुरु दरबार की सेवा बख्शी, क्योंकि सेवा से ही वो हमें क्या से क्या बना देते हैं। सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा करनी, वो हमें क्या से क्या बना देते हैं। जैसे एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई सेठ आया और कहने लगा, श्री महाराज जी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवादारों को बुलाया और कहा कि इसे कोई सेवा दे दो। अब सेवादारों ने कहा कि सेवा तो सब बच चुकी है, श्री गुरु महाराज जी का कोई सेवा तो बची होगी। तो उन्होंने कहा कि एक सेवा बची है जो गुरु दरबार के शौचालय साफ कर देगी, अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, दे देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस सेठ से पूछा कि गुरु दरबार के शौचालय साफ कर लोगे? उससे कहा मैं कर लूंगा। तो श्री गुरु महाराज जी का 3 दिन आपने यहां रहकर यही सेवा करनी है। उन्होंने सेवा की, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा सेठ था, इसे कोई लंगर की सेवा ले लेते, कोई कमरा बनवा लेते, कोई धन की सेवा ले लेते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कहा, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि इसके 3 जन्म ऐसे होने थे जो इन्होंने गलियों में जाकर कूड़ा उठाना था, और मैंने 3 दिन सेवा करवा के इसके 3 जन्म काट दिए हैं। तो कहने का भाव कि ऐसे हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान जो हमारे कई जन्मों के पाप काट देते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा और विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर हम सच्ची श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करते हैं तो उसमें हमें इतना आनंद मिलता है। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम गुरु घर में आए हैं तो सच्चे दिल से जो भी सेवा मिले वो तन मन धन से सेवा करें, और महापुरुषों के वचनों को सुनकर अपने हृदय में धारण करके उस राह पर चलेंगे तो हमारा इसी में कल्याण है। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अपने निश्चित समय में ही बहुत सुंदर सूत्र आपको दिया कि गुरु घर की 3 दिन की सेवा करने से उसके 3 जन्म कट गए। पुजारी जी के रूप में दरबार की सेवा करते हैं, लगभग 26 वर्ष हो गए सन्यासी, और गुरु घर की सेवा केवल मंदिर की ही, हर प्रकार की जो भी व्यवस्था होती है उसमें हित चित से सब व्यवस्थाओं में सहयोग भी करते हैं। तो 2-3 दिन से शायद मुझे नहीं लगता कि वो सो पाए हो, रात्रि में पूरी रात डेकोरेशन इत्यादि और सब व्यवस्था में लगे रहे। तो मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी आए और आकर के अपने श्रद्धा सुमन गुरु चरणों में अर्पण करें, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में। तो समय सबके लिए निश्चित है, 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा, और जितना कम समय लगाएंगे मैं उनका बहुत आभारी होगा। बोलो जयकार, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे हृदय सम्राट हृदय असीन गगनवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के 5 चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु चरणों में बैठे हुए माननीय संत महापुरुष चरणों में नमन। सभी आई संगत को जय सच्चिदानंद,
सभी ने मिल करके मेरे साथ जय घोष बोलेंगे। डब्बी में बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज महाप्रभु चरणों में बैठने का अवसर मिला। विषय सभी को मालूम ही है कि आज हमारे प्राण धन गगड़वासी श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी प्रचारों में एकत्रित हुए हैं। बहुत देर से सुन रहे थे महाप्रभु के चरणों की सेवा के बारे में, उनके ध्यान के बारे में, उनका जन्म लेने से अंत तक बहुत समय से महापुरुषों के द्वारा हमें सूत्र दिए जा रहे थे, संदेश दिए जा रहे थे, आदेश दिए जा रहे थे, ये मानुष तू संसार में किस लिए आया है, जो काम तू करता है वो काम पशु भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, बैठता भी है, अगर तू इसी में लगा रहा तो तेरा जन्म ही तो एक पशु के समान है। ये तो महाप्रभु ने, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने हम जीवों पर कृपा की, हमें उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जिनको मैं नंगली निवासी भगवान जी ने 13 वर्ष आगरा में रह करके तप किया, वही ब्रह्म ज्ञान आपको मिला। और आपने क्या किया, मेरे महाप्रभु ने 13 वर्ष उसी नाम का उच्चारण किया, वही नाम आपके पास भी है। कभी हमने विचार किया, सोचा, जिस नाम को मेरे महाप्रभु ने 13 वर्ष तप किया, अपने आप को साधा, वही नाम, वही उपदेश हमको मिला है। अगर हम विचार करें तो हमें भी भजन स्मरण करना चाहिए। उन्होंने 13 वर्ष किया है, आप एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, तुम एक घड़ी पे आ जाया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है इस कलयुग काल में। जब तक हम भजन सिमरन महाप्रभु की सेवा नहीं करेंगे, अभी मेरी आदरणीय बहन सुन रहे थे सेवा के महत्व के बारे में, वो नंगली की भूमि जो मैं सतगुरुदेव भगवान जी को प्यारी है, जिन्होंने अपना अंतिम स्थान चुन लिया नंगली को, कितनी भाग्यशाली होगी वो नंगली, कितने पुण्य कर्म किए होंगे नंगली ने, जो त्रिलोकीनाथ तीनों के मालिक गगड़वासी को अपने पास बैठने में मजबूर कर दिया। वही नंगली आज आप भाग्यशाली हैं, आप उस नंगली में आए हैं। लोग तरसते हैं नंगली में आने के लिए, स्पोर्ति से लेकर के गुरुद्वारा तक 84 मोड़ है। कहते हैं जो एक बार मन चित करके पद यात्रा करता हुआ
नंगली दरबार पहुंचता है उसकी चौरासी कट जाती है। ऐसे मेरे महाप्रभु नंगली निवासी भगवान जिन्होंने एक ही दो घंटे में अपनी चौरासी काट दी। कटेगी कब? जब हम दिल करके मन करके महाप्रभु चरणों में आएंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत संगत दूर दूर से आई है, लेकिन इसमें कुछ लोग ही होंगे जिनका आज मन महाप्रभु चरणों में लगा हुआ है। नहीं तो कोई मेला देखने आता है, कोई लंगर खाने आता है, कोई मचा देखने आता है, कुछ करने आता है। कुछ चंद लोग ही हैं जो केवल केवल महाप्रभु के दर्शन दीदार और उनको अपने पुष्पांजलि, अपनी महांजलि, अपने भाव अर्पित करने के लिए आते हैं। तो प्रेमियों, समय का भाव है, बहुत सारे महापुरुषों ने आपको संदेश और आदेश दे रहे हैं। हमारा आना तभी इसका अर्थ होगा, हम इतनी दूर से आए हैं, किराया भी लगा, टाइम भी लगा। अगर हम महाप्रभु के संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं महाप्रभु को क्या दे सकता हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, वो नचा रहे हैं, मैं नाच रहा हूँ, तो मैं उनको अपने चंद शब्द उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। शब्दों के साथ बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बहुत सुंदर संदेश आपको दिया कि हमें आवश्यकता है श्री नंगली निवासी भगवान जी के उपदेश पर अमल करने की। जब उनका उपदेश क्रियात्मक होगा तो तभी हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उनके दिए हुए शब्द का जाप करें और गुरु ग्रंथ की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें। बहुत सुंदर संदेश पुजारी जी ने दिया। और हमारे बीच में श्री नंगली निवासी भगवान जी के बड़े ही प्यारे संत परमादनीय परम श्रद्धेय जिनको हनुमान जी कहते हैं, निवासी भगवान के ऐसे सरीखे उनके सेवक स्वामी परम जी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हमारे बीच में हैं। अभी आप देख रहे हैं श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी भी पहुंचे हैं। उनसे पूर्व यहाँ हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी राघवानंद जी उपस्थित हैं। मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि वो भी आए और दर्शन के अंतर्गत ही अपने भाव प्रस्तुत करें। स्वामी राघवानंद जी महाराज महाराज की, श्री दयालु परमहंस जी महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री सतगुरु भगवान जी के पावन चरणों में बैठे माननीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री नंगली दरबार के उपस्थित समस्त संत मंडल और आप धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, पहले हम तीन दफा ओम के उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। सभी गुंज करेंगे। गुरु साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो श्री गुरु महाराज की। आज श्री नंगली सरकार के निर्वाण दिवस के उपलक्ष में हम यहाँ एकत्रित हैं। श्री नंगली गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र अथाह है, अगाध है, अवर्णनीय है। हमारे पूर्व वक्ता संत जनों से उनके जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। मैं अभी एक जगह गया, ऐसे ही निर्वाण दिवस के उपलक्ष में कहीं श्रद्धांजलि कार्य चल रहा था, और उस कार्य में जितने भी गायक थे ऐसी समा बांध दी कि सबके आंखों से अश्रु बह रहे थे, और संसार को इतना नश्वर सिद्ध कर दिया कि तेरा बेटा है तेनु बालन बना के जलाऊगा, कोई कुछ नहीं करता, कोई साथ नहीं जाता। बहुत बैरागी की बात कही। मेरी भी बारी आई। हमने कहा वो परम पिता परमात्मा ने देव दुर्लभ मानव तन दिया है, तो क्या संसार में यूं ही व्यर्थ जीवन बिताने के लिए दिया है? जहां कोई किसी का नहीं है, इस बेगाने संसार में परमात्मा ने हमें क्यों भेज दिया? बड़ी विचारणीय बात है। समय की पाबंदी है। मैंने यही कहा कि इस परमात्मा ने जो संसार बनाया है यह जो स्कूल है, साधना कक्ष है, साधना करने के लिए भेजा है, और हमारे आपके जो बाल बच्चे हैं, परिवार है, इष्ट मित्र हैं, ये हमारे सहयोगी कारिंदे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अफसर किसी दफ्तर में काम करता है तो उसके बहुत सारे स्टाफ मेंबर मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं। स्कूल में बड़े बड़े वाइस चांसलर होते हैं, कॉलेज को बहुत सुंदर सुंदर सजाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चे उस कॉलेज से PhD करके क्या लाता है अपने साथ? क्या उस कॉलेज की कोई ईंट पत्थर ले आता है अपने साथ? कोई मेज कुर्सी अपने साथ लेकर आता है? या पढ़ाई के अंतर्गत जो इष्ट मित्र बने, क्या वो कोई साथ आता है? कोई किसी के साथ घर में नहीं आता। भगवान की जय जय। कुछ लेकर नहीं आता। तो क्या बच्चा वाकई कुछ लेकर नहीं आया? अगर कुछ लेकर आना ही नहीं था तो ऐसे कॉलेज में माँ बाप ने बच्चों को भेजा ही क्यों? लेकिन बच्चों को वहां से मेज कुर्सी लाने के लिए नहीं कहा, दोस्तों को इकट्ठा करके लाने के लिए नहीं कहा, अपितु वहां आचार्य जनों के द्वारा, प्रोफेसरों के द्वारा, जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत व अन्य किसी विषय की जो शिक्षा उसको मिली है, वो शिक्षा अपने दिल दिमाग में धारण करके घर आता है और जीवन पर्यंत काम आता है। आता है कि बोल श्री गुरु महाराज की। बच्चा कॉलेज से क्या लेकर आया? विद्या लेकर। विद्या को दिखा नहीं सकता, बांट नहीं सकता। हाँ, शब्दों के द्वारा बांट सकता है। ठीक ऐसे ही इस संसार रूपी विद्यालय में हम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य ही पढ़ सकता है, अन्य जीवनी वाले नहीं पढ़ सकते बेचारे। तो हम लोग संसार में आकर रुलझ जाते हैं कि मकान ले जाए, कोई बच्चा चला जाए, कोई नातेदार रिश्तेदार जाने
यह संभव नहीं है। अरे मरने के तो बाद छोड़िए, आपके क्या स्वप्न में कोई साथ जाता है क्या? नातेदार रिश्तेदार धन दौलत रुपया पैसा ये स्वप्न तक नहीं जाता तो भला उस परलोक मार्ग में क्या जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, मनुष्य के शुभा शुभ कर्म अध्ययन साथ जाता है और वह अध्ययन सदगुरु के शरण में मिलता है। श्री नंगली गुरु महाराज जी जहां सानो सौकत के साथ इस नंगली ग्राम में आए, नंगला नंगली के नाम सुनकर बहुत खिड़खिड़ा के हंसे। जब गुरु यहां पर स्वामी गुरु चरणानंद महाराज नाम से एक संत थे तो इस क्षेत्र में चकौड़ी से आकर प्रचार प्रसार किया करते थे। ये मैंने श्री ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुना, उन स्वामी गुरु चरणानंद। तो वो महाराज जी को दिल्ली में लाए थे, इस क्षेत्र में घुमाए थे और महाराज जी आए शुगर के इलाज कराने के लिए, क्योंकि महाराज जी को बैठने करके शुगर हो गई। लोगों ने कहा संतों को शुगर क्यों हो गई, तो बोले संतों को मीठा बोलना पड़ता है ना, तो अंदर मीठा होगा तभी तो वाणी मीठी आएगी, लेकिन शुगर अच्छी चीज नहीं है। खैर, श्री नंगली गुरु महाराज जी दयालु परमहंस महाराज जी के आदेशानुसार जो आगरा में तप किया, वो तप से चित मूर्ति का उन्होंने सुधार किया और वो ब्रह्मरंध्र से यहाँ पर प्रस्थान किया 9 अप्रैल 1936 को इसी नंगली धाम में, और बाहर सेवादार इंतजारी करते रहे और वो तत्व लेकर चले गए जो श्री दयालु परमहंस महाराज जी ने अध्यात्म की विद्या कूट कूट करके उनके हृदय में भर दिया था। शरीर छोड़ गए और अध्यात्म विद्या लेकर ब्रह्मलोक को चले गए। वही अध्यात्म विद्या आपने संग्रह करना है, वही धन संग्रह करना है। ऐसा मत सोचना कि संसार से हम कुछ लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन वो जब पढ़ाई का वक्त है सुबह शाम थोड़ा सा होमवर्क करो उस परम पिता के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि पेपर तो आएगा ही आएगा, तो क्या इसमें कुछ होगा तभी तो जाएंगे। तो ज्यादा समय ले लिया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो इन आंखों से दिख रहा है ये स्वप्न की न्याई है, और स्वप्न में प्राप्त किया हुआ पदार्थ कभी अपना नहीं होता। सत्य है तो हरि का नाम है, इसलिए श्री नंगली निवासी भगवान ने जो उपदेश दिया है उस नाम का मंत्र, उस मंत्र का जाप करते हुए उस सत्य के धन को का संग्रह करें। उनका जो उपदेश है बड़ा सुंदर प्रमाण लेकर के कि एक विद्यार्थी क्या लेकर के आता है, विद्या ग्रहण करता है और उस विद्या के द्वारा वो ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेता है। आपको भी जो विद्या मिली है आप उस मंत्र के जाप से भक्ति के धन का संग्रह करें, जिससे जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। बहुत सुंदर संदेश आपको मिला। निवेदन कर रहा हूँ सहारनपुर से महात्मा प्रेम दिव्यानंद जी, वे भी आए और 7-8 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करें। सभी महापुरुष अपने समय में ही अपनी बात कहेंगे, अगर भजन बोले तो एक दो अंतरे छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समय का अवश्य ध्यान रखें। संत महात्मा प्रेम दिव्यानंद जी सहारनपुर से। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की। ये जो मोबाइल लेकर के बार बार इधर वीडियो बनाने के लिए आते हैं, मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि वो वीडियो बनाने के लिए सामने के आप यूट्यूब पर देख लेंगे, बता देंगे अगर यूट्यूब का चैनल कौन सा है तो मैं इनको बता दूं, ये अपने घर भी संदेश भेज देंगे और बाद में भी देखते रहेंगे। श्री नंगली महिमा।
श्री नंगली महिमा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप कभी भी ये सारा सत्संग सुन सकेंगे। महात्मा दिव्यानंद जी अब शुरू करें, आपका समय शुरू हो चुका है। माइक माइक भाई कहाँ है माइक वाले? चालू करें। हेलो, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। लगियानो निभा जावे एक बार ते आ जावे, लगियानो निभा जावे एक बार ते आ जावे, लगियानो निभा
मैं सोचा था अक्टूबर 1935 को दिवाली पर उनके पश्चात जब शिवजी निवासी भगवान जी ने पंजाब छोड़ने का हुक्म दिया, उस समय कौन सा दिल है तड़फानी होगा, कौन सी आंख है जो रोई नहीं होगी, क्योंकि जुदाई में विरह में मालिक दो जहां की मौज उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं, और उसी दम तो सभी अपने हृदय में सजे हुए यहाँ आए हैं, क्योंकि श्री शत्रुदेव जी ने इस ऋषि स्थली को तीर्थ राज का रुतबा और मर्तबा दिया, हम सभी जानते हैं। जिसकी पावन धरती पर जियारत करके हम अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं, और उनकी चौखट पर श्रद्धा करके जो है हम मन की मुरादों को पाते हैं, ऐसा अली दरबार है। नंगली धरती अपने को उठा ले मेरा सुंदर श्याम, रोनिया तरले पानिया लोड़ दे मेरी सरकार। क्योंकि जब महापुरुष निज रूप में होते हैं, माया का पड़ लेना कभी होता है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और सहसा मुख से ये वचन निकलते हैं जो आए उसने बसीरत न थी, उनके जाते ही ताबे नजर आ गई, कल नजारा था लेकिन ये आंखें न थी, आज आंखें मेरी को नजारा गया। मैं जुबान से क्या बयान करूँ, मेरे सरोवर की बात है, मेरे चश्मे पर से सुबह कोई गंभीर से याद की बात है, तड़प ऐ दिल की तड़पने से जा आराम आता है, ऐसा प्रेम उन्होंने चारों तरफ इस प्रकार यत्र तत्र और सर्वत्र सबके हृदयों में प्रेम का बीज का रोपण करके पुण्य ही पुण्य का जो पसारा है वो पूरे विश्व में फैल गया। क्या भारत, क्या सिंधी, क्या नेपाल, क्या अफगानिस्तान, दर्शनार्थ सपर्शनार्थ शब्दार्थ कृपया शिष्य के जन योग्य समावेशम श्याम सही देशी कहा। ऐसी उपस्थिति प्राप्त थी जो जागृत महापुरुष थे, केवल यही तो फरमाते थे प्रेमी और गुरुमुखो, सैकड़ों लोगों की समाधि ले जाती थी, दयाल देश तक लोगों की रसाई हो जाती थी, क्या ये साधारण सी बात है? नहीं, वो तत्वता महापुरुष थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिस जगत पर हमारे गुरुजनों ने हमें अग्रसर किया उसे कदर करनी है, जिन राहों पर सदगुरु के चरण गए उन राहों का सत्कार करो। नंगली गुरु को प्यारी है, तुम भी नंगली से कैसा ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? कहते हैं ये महल में ख्वाब है बोलिया, यहाँ पाँव रखना नहीं रवा, यहाँ सच के बल चलो आशिको, ये प्यारे बंदर बंदर नवास है। तो एक छोटी सी लीला दो मिनट की आपके चरणों में निवेदन करूँगा। वैसे तो हाँ जी, एक मिनट में ऐसा इशारा हुआ है तो कहने का तो अच्छा लगता है किसी और की लीला का वर्णन किया जाए, लेकिन जो निज कर्म के साथ बीती हो वो भी इस माध्यम से भी लजा आती है कि सुनाए या ना सुनाए। तो ये बात अभी कुछ महीने पहले की है, कलकत्ता में मेरे छोटे पुत्र संपर्क को जाने का मौका मिला किसी व्यवसाय के में, और वापसी में फ्लाइट उसकी थी कलकत्ता टू दिल्ली, और मौसम बहुत खराब था, 3 महीने पहले आप सभी जानते हैं बारिश तूफान आंधी इत्यादि। तो उसमें जो है अनाउंसमेंट हो गई कि खतरा है और किसी समय भी जो प्लेन है क्रैश हो सकता है। तो बेटे संपन्न ने जब देखा सतर हाहाकार मचा हुआ है, चिल्लाने की पुकारने की आवाजें आ रही हैं, तो एयर क्रैश में जानते ही हो मोर सामने खड़ी हो की हालत होती है, उसी समय उसने
आंखों अश्रुपूर्ण गुरुदेव के चरणों में, शिवनी निवासी भगवान जी के चरणों में अरदास की अर्ज करें और 2.5-3 घंटे एक्स्ट्रा उस प्रे ने लिए, लेकिन मालिक के दो झां की कृपा ऐसी थी वो सुरक्षित जो है दिल्ली में लैंड कर गया जो हवाई जहाज था। ये जीवन की सच्ची गाथा है। गंगोत्री में भी इसका हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय संत आदाशुदानंद जी ने भी महाराज जी ने उसको संकेत किया है उस लीला को, तो उसमें विस्तार से उसका वर्णन है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ना हो उसमें पढ़ सकते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय। गुरु की महिमा है अमित कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा रास्ते रंगों को नरे। मेरे सतगुरुदेव भगवान की महिमा में बयान नहीं की जा सकती, हर पल हर क्षण अनेकों घटित हो रही है। आगे अभी सभी से पूछने लगो तो शायद ही कोई ऐसा बैठा होगा प्रेमी जिसके साथ कोई लीला ना हुई हो, तो ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की अथा कृपा है। आइए मैं समय ज्यादा ना लेते हुए निवेदन करने जा रहा हूँ। संत बहन ब्रह्म श्रेष्ठानंद जी श्री सतगुरु नगर से हमारे बीच में हैं, वे भी आए और 10 मिनट के अंतर्गत ही अपने भाव प्रस्तुत करें। समय को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों को एक बात कहेंगे, एक की सूचना कृपया ध्यान से सुने। एक गाड़ी है PB08 ग्रे कलर की, PB08 88 88, वो जिस किसी की भी हो तुरंत जाकर के उसको हटाए, उसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है और बहुत सारी परेशानी सेवादारों को वहां पर हो रही है। ये गाड़ी जिस किसी की भी हो PB08 88 88, तो ये जिस किसी की भी गाड़ी है कृपया उसको जल्द से वहां से हटाए। संत बहन ब्रह्म श्रेष्ठानंद जी, यहाँ बैठकर बड़े प्रेम से सत्संग श्रवण करें। और जिन्होंने अपनी श्रद्धा भेंट धन की सेवा देनी है संत महापुरुषों ने अथवा भक्तजनों ने, ये इधर 2-3 भक्त ये ग्रिल के साथ संत महापुरुषों के साथ ही मंच पर बैठे हैं, अपनी अपनी सेवाएं वहां पर देते रहे, लिखवाते रहे, वो सेवाएं बाद में अनाउंस करी जाएंगे। संत रहेंगे बोलिए जयकारा, बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री परम हंस महाराज की जय, बोलिए श्री निवासी भगवान की जय, बोलिए समझे नायक
गुरु रूप में साक्षात भगवान मेरे नलिनी निवासी भगवान के चरण कमलों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरण कमलों में भी मेरा प्रणाम और उनकी परम प्यारी संगत को सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि नंगली निवासी भगवान जी को लीला धारी भी कहा जाता है, उन्होंने अपने टाइम में अनेक लीलाएं की और हम कितने खुशकिस्मत हैं और कितने अमीर हैं कि हमें नंगली निवासी भगवान जी जैसे गुरु मिले हैं। मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी कि नंगली निवासी भगवान जैसे गुरु ना आज तक हुए हैं ना होंगे। समय के अभाव के कारण मैं एक उनकी नन्ही सी लीला सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर है। एक बार एक औरत नंगली निवासी भगवान जी का सत्संग श्रवण करके जैसे ही अपने घर आई तो उसके बिटिया स्कूल से आई और माँ ने बताया कि मैं अभी सत्संग से आ रही हूँ। और वो बच्ची जैसे ही स्कूल से आई तो आके खाना पानी कुछ भी नहीं मांगा, कहती मैंने भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, माँ मुझे भी उनके पास लेके चलो। तो माँ ने कहा बेटा अभी मैं सत्संग सुनकर आ रही हूँ, अभी तुझे कैसे ले जाऊं, बाद में ले जाऊंगी। नहीं माँ, मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, अगर वो कहीं चले गए तो। जब उसने जिद की तो माँ ने कहा बेटा एकदम मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम आस पड़ोस से अपनी दो तीन सहेलियों को बुला लो और उनको साथ लेकर उनके दर्शन कर लो। वो भागी भागी, जिसको खाना वाना सब भूला हुआ था, उस नन्ही की नन्ही सी बच्ची को नंगली निवासी भगवान जी के लिए इतनी ग्रेस थी, अपनी सहेलियों को लेकर भागते हुए श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंच गई और वहां जाकर उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। और मेरे नंगली निवासी भगवान जानी जान थे, वो तो हर किसी के हृदय की बात जानते थे। वो उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगे, वो जानते थे कि इस बच्ची को दर्शनों की कितनी लालसा है। जब दर्शन किए तो कहने लगी प्रसाद, गुरु महाराज जी के पास जो सेवादार थे, सत्संग खत्म होने के बाद प्रसाद सब अंदर जा चुका था, उन्होंने कहा इन बच्चों के लिए प्रसाद लाओ। और एक सेवादार गया, वो एक थैला उठा लाया तो श्री गुरु महाराज जी ने बच्चों को देना शुरू किया। उसमें आम थे और एक एक आम सब उसकी सहेलियों को देने लगे। और जब उसकी बारी आई तो उस थैले में लास्ट वाला जो आम था वो बिल्कुल छोटा था। और अब ये जो उस नन्ही सी बच्ची और गुरु महाराज जी के बीच में वार्तालाप होगा, शायद आप भी इसको सुनकर हंस पड़ेंगे। जैसे ही गुरु महाराज जी उसको देने लगे, कहते हाँ आप तो बड़े चलाक हो। नन्ही बच्ची गुरु महाराज जी से कहने लगी, इन सहेलियों का तो मैं लेके आई हूँ, इनको तो आपने बड़ा आम दे दिया और जो मैं लेके आई हूँ मुझे आप छोटा आम दे रहे हैं, मैं नहीं लेती। बाई चांस उस थैले में और आम नहीं था तो गुरु महाराज जी ने कहा बेटा आज तुम छोटा आम ले लो, बाद में हम तुम्हें बड़ा आम दे देंगे। कहती नहीं, मुझे तो अभी बड़ा आम चाहिए, मेरी सहेलियों को बड़ा मिला, मुझे छोटा मैं नहीं लूंगी। श्री गुरु महाराज जी ने फिर प्रेम से कहा बेटा कल हमें तुम्हें दो दे देंगे। कहते नहीं, क्या पता दो दोगे कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए बड़ा। जब उसने जिद की
तो नंगली निवासी भगवान जी ने कहा, अपना दुपट्टा नीचे रख। उसने अपना दुपट्टा नीचे रखा और वो छोटा सा आम उस दुपट्टे में रख दिया। अब आप देखेंगे, ऐसे ही नहीं कहते हम कि नंगली निवासी भगवान जी जैसे गुरु नहीं हो सकते। जैसे ही वो आम दुपट्टे में रखा, नंगली निवासी भगवान जी ने उस आम पे नहीं कौन सी दिव्य दृष्टि डाली कि वो आम बड़ा होने लग गया और बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया कि वो तरबूज के साइज तक पहुंचने वाला था। तो उन्होंने कहा, बेटिया आप जल्दी से उठा ले। अब वो भारी हो गया था, उसने ऐसे किया, हाथ में तो उठा नहीं सकती थी, कंधे पे डाला और इतने खुश जो आसपास खड़े थे उनकी भी निगाहें एकदम उस आम को देखते ही रह गई कि आम बड़ा हो गया। मेरे दादू ने, श्री परमहंस दयाल जी ने श्री गुरु महाराज जी को राम कृष्ण नानक कबीर की उपाधि ऐसे ही नहीं दी हुई। और वो कंधे पे आम लेकर अपने घर की तरफ भाग रही है, जो साथ लोग देख रहे थे वो भी, और बार बार बोल रही है, मेरा आम बड़ा हो गया, मेरा आम बड़ा हो गया। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने दो सेवादारों को कहा, तुरंत आप इस बच्चे के पीछे जाइए और जैसे ही ये घर पहुंचे और ये आम काट कर तुरंत पूरे परिवार को खिला देना। और इसके पीछे क्या राज था, मेरे नंगली निवासी भगवान जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो ऐसी हैरान कर देने वाली थी कि जब तक उस आम को काटा ना जाता वो बड़ा ही होता रहता। और जिधर जिधर से वो नन्ही बच्ची आम लेके जा रही थी, लोग ये सुन के आम बड़ा हो गया बड़ा हो गया उसके पीछे चलते जा रहे थे और सब उसके घर तक पहुंच गए। और श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि ये आम काट के सबको प्रसाद देना है। और उन्होंने जल्दी से उस आम को काटा और सबको देते जा रहे थे और वो प्रसाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे नंगली निवासी भगवान, जिनके लिए हम उदास तो होते हैं कि वो फिजिकली आज के दिन हमसे जुदा हुए थे, यानी कि इस संसार से उन्होंने शारीरिक रूप से विदाई ली थी, लेकिन नहीं, उनके लिए उदास भी नहीं हो सकते। जब भी उनका कोई सच्चा प्रेमी तहे दिल से उनको पुकारता है तो वो आ जाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो इस दुनिया से गए हैं? नंगली निवासी भगवान जी कभी गए, इस दुनिया से गए ही नहीं। चाहे दुनिया सारी बख होवे, मेरे सिर पे तेरा हाथ होवे, जब सिर पे तेरा हाथ होवे, श्रवण की। असंभव से भी संभव हो सकता है। मैंने